बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो घराने अपने बड़े बच्चों की असरी तालीम के साथ साथ उनके दीनी तालीम का इंतज़ाम करके उन्हें दीनियात से आशना करते हैं, कुरान करीम की तालीम देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी दुआएं याद करवाने के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करते हैं, जिक्र अज़कार की महफिलों में उन्हें अपने साथ बिठाते हैं, नमाज उनके सामने पढ़ के उन्हें इंस्पायर करते हैं और उन्हें मोटिवेट करके नमाज पढ़ने पर लगा देते हैं। उन घरों में पैदा होने वाले छोटे बच्चे भी अपने बड़े बहन या भाई को फॉलो करते हुए उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी घर में बड़े बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत हो जाए तो छोटे तमाम बच्चे भी खुद ब खुद ही उसे फॉलो करते हुए उस जैसे बन जाते हैं। यानी आपको दूसरे बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम इसी बात के सबूत के तौर पर आपके सामने ये एक छोटा सा बच्चा और उसकी बहन की वीडियो पेश कर रहे हैं। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وما تزول अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो इस छोटे से बच्चे, इसकी बहन और इसके माँ बाप पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी अपने बच्चों की ऐसी ही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।